हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो अल्टीमेट बिजनेस स्टडी चलती है। बेसिकली स्टूडेंट से कहा जाए तो भाई किस प्रकार हमारा यूनिवर्सिटी पूरा पूरा फंक्शन करता है झारखंड की हर यूनिवर्सिटी में। जिस प्रकार हमारा झारखंड कहा जाए कि रिसोर्स के मामले में ऑल ओवर द इंडिया सबसे रिचेस्ट स्टेट है, लेकिन एजुकेशन के मामले में कहा जाए, नॉलेज के मामले के या पैसे के मामले में कहा जाए तो रिच तो बहुत ज्यादा, यानी जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन जो बाकी मध्यम वर्ग परिवार जो गरीब परिवार बिलोंग करते हैं वो अत्यंत ही ज्यादा गरीब है। और इस गरीबी का सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन का कहा जाए सबसे बड़ा कमी। और इसी एजुकेशन कमी का फायदा झारखंड के हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, विनोबा यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, रांची विश्वविद्यालय हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी हो, कुल्हान यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो, जमशेदपुर यूनिवर्सिटी, यानी ओवरऑल आप जिस भी यूनिवर्सिटी पढ़ते हो लगभग देखा है झारखंड हर यूनिवर्सिटी में, ये सब के सब यूनिवर्सिटी में देखिए हर प्रकार का कहा जाए छात्र छात्राओं को, यानी जो स्टूडेंट्स बेसिकली आप पढ़ रहे हैं, आप सभी बच्चों को नॉलेज का अभाव के कारण आप सभी बच्चे सेमेस्टर में फेल होते हैं। अब बोलिए सर आपको कैसे पता चला? देखिए आप सही बच्चों को आपको मालूम होगा पहले सीयूटी का पेपर तो नहीं होता था, अब जब से सीयूटी का पेपर होने चला है जिसमें से अधिकांश छात्र छात्रा क्या करते हैं सीयूटी का पेपर देते हैं और बाकी जो अदर कहा जाए स्टेट्स के जो बेसिकली यूनिवर्सिटी है चाहे वो बीएससी हो चाहे डी हो वहां पर बच्चे क्या करते हैं अपना एडमिशन करवाते हैं। और वहां से देखिए यहां से भी हमारे आसपास से बहुत सारे बच्चे वहां डीयू में पढ़ते हैं, कोई बच्चे जेएनयू में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे कहा जाए बीएचयू में पढ़ते हैं, तो उनसे हमें देखिए बातचीत लगातार होती रहती है। तो उन्हीं के संपर्क से हमें पता चलता है कि जिस प्रकार आप सही बच्चों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया वहां पर भी लाया गया आप सही बच्चों के लिए ये मेजर माइनर एमडीसी एसी पल्ला ढिमकाना लगाया गया, वहां पर कुछ पेपर है लेकिन इस तरह का अजीबो गरीब पैटर्न नहीं रखा गया। वहां जो पूरा पूरी सिलेबस है या कहा जाए कि हमेशा पैटर्न है उसको फिक्स रखा गया है, लगभग पूरे यूनिवर्सिटी में सेम रखा गया है और वो पहले से फिक्स है, सेमेस्टर वन से लेकर कहा जाए सेमेस्टर सिक्स तक ये फिक्स रख दिया गया है। ये नहीं कि भाई 22-26 स्टार्ट है 23-27 सबके लिए फिक्स करके रख दिया गया, यानी वहां पर एक कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर कर दिया गया कि आपका जो सिलेबस रहेगा एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो इससे बच्चों को क्या होता है प्लस जो भी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं जो पढ़ाई करने आते हैं तो उनके लिए फायदा रहता है कि उनको सब कुछ मालूम रहता है कि क्या उनके लिए सही रहेगा, किस प्रकार पैटर्न आने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, प्लस वहां के जो कहा जाए यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, हर दिन क्लासेस रहते हैं, प्रोग्राम रहता है या जो फंक्शन रहते हैं वो सब कुछ बच्चे अटेंड भी करते हैं। जबकि हमारे झारखंड के आप जिस भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज पढ़ रहे होंगे भाई वहां मोस्टली तो कहा जाए एजुकेशन नाम पे कुछ नहीं होता है, एक दिन टीचर आएगा बैठ के आपके पास एक चैप्टर पूरा खत्म कर देगा, जबकि एक दिन में क्या आपको लगता है उतना बड़ा कोई भी चैप्टर खत्म हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं आपके पास। क्या आपको एक घंटे पेपर खत्म हो सकता? नहीं हो सकता भाई। तो सबसे पहला तो यही हमारे पास कारण बनता है, प्लस आप सही बच्चों ने हमारे झारखंड के जिस भी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे होंगे आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि हमारे झारखंड यूनिवर्सिटी में कॉपी कितने अच्छे चेक होते हैं। हर यूनिवर्सिटी ने अपना अपना पेपर तो जारी कर दिया कि भाई हम डिजिटल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव लेंगे, कोई बोलता है हम अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव लेंगे, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पास उस सब्जेक्ट का कहा जाए तो टीचर ही नहीं है। अब जब टीचर ही नहीं है तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, जो यूनिवर्सिटी वाले वो बीएड कॉलेज के टीचर से चेक करवाते हैं। भाई बीएड कॉलेज का टीचर का सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है। आपके पास कहा जाए कि भाई अगर आपके पास आटा ही नहीं है तो भाई रोटी कैसे बनाओगे, वही बात है कि भाई बाहर खरीद के लाके दे देंगे। वही चीज हमारे झारखंड की यूनिवर्सिटी में ये भी चला रहे कि आपको कुछ है नहीं आपके पास अवेलेबल, लेकिन बस बोला गया तो आप पढ़ा दो, आपको उससे क्या मतलब है। प्लस इनको अपने सब्जेक्ट का नाम नहीं पता है, जो कॉलेज के टीचर है क्योंकि देखिए उनका चलिए एज ग्रुप हो चुका है तो उनको भी बेसिकली कहा जाए तो ट्रेनिंग, जैसे हर स्कूल में क्या होता है बहुत सारे स्कूल में क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है जिससे उनको ट्रेनिंग के थ्रू बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट बेसिकली बच्चों को पढ़ाने या ये करिकुलम होगा ये प्रोसेस होगा सब कुछ उनको बताया जाता है। यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ करता नहीं है, जब फॉर्म फिलअप आता है तो बच्चों को पता चलता है अरे भाई ये सब्जेक्ट भर रहा था सब्जेक्ट गलती हो गया, सब्जेक्ट गलती हुआ यूनिवर्सिटी दौड़ेगा नहीं, यूनिवर्सिटी दौड़ेगा यूनिवर्सिटी बोलेगा आप कुछ नहीं हो सकता वो एग्जाम दो हम भविष्य में तुम्हारा पेपर लेकर सही करेंगे। तो बच्चों का तो भविष्य खराब हुआ। पैसा किसने कमाया? यूनिवर्सिटी ने। पूरा पूरी पैसा किसके पास किया? झारखंड सरकार पास, चाहे वो अभी करंटली कहा जाए वो हेमंत सोरेन की सरकार हो या अगर कहा जाए प्रीवियस में हमारे पास वो क्या कह सकते हैं रघुवर दास सरकार हो, भाई सब के सब सरकार में ऐसा झोल देखा गया। हाँ अभी कुछ ज्यादा देखा जा सकता है कभी कुछ कम देखा गया, लेकिन सब में गलती झारखंड के हर यूनिवर्सिटी में। और ये बात झारखंड क्या अगर देखा जाए झारखंड और बिहार सबसे ज्यादा ये चीज देखा जाता है। अगर आप बाकी अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी जाते हो तो वहां पर ये चीज डिफरेंस कम देखने को मिलता है। वहां बच्चे भले फेल होंगे ना तो वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में उनको रोका नहीं जाता, उनको बैक क्लियर भी करना पड़ता है। तो उनके पास उनको रोकने का जैसे यहाँ क्या होता है अगर आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर पास नहीं होते आपको बोला सेमेस्टर फट जाने, अरे भाई वहां ऐसा नियम नहीं है।
आपको प्रीवियस क्लियर जरूर करना पड़ेगा, नो डाउट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन आप लगातार पढ़ते जाओगे जब आपका पेपर हो बैक सेशन का, तो आप उनके साथ अपना पेपर डे क्लियर कर सकते हो। तो इससे बच्चा का जो ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड रहा उस टाइम पीरियड कंप्लीट भी हो जाता है, सब कुछ उसका ओके होता है, लेकिन हमारे झारखंड में ऐसा नहीं होता। तो हर बच्चे से 650 रुपया लगभग, अगर आप एक पेपर फेल होते तो भी 650 रुपया दोगे, पांच पेपर फेल होते तो भी 650 रुपया दोगे, ये कहां का न्याय है बताइए। प्लस अगर आप लास्ट सेमेस्टर में तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कौन से आप एकदम कहा जाए कि एकदम सोने के पेपर लिफाफा डाल के हमको डिग्री दे देते हो, वो डिग्री हम लोग क्या करें भाई, आप नॉर्मल से पेपर दो ना, ज्यादा पेपर लेने की आवश्यकता क्या। बाकी यूनिवर्सिटी में फंक्शन होते हैं तो फंक्शन इतना ज्यादा पैसा नहीं लिया जाता, 2500-3000 रुपया, और नॉमिनल फी में बच्चों को वहां पर डिग्री बांटा जाता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आते हैं तो उनको उस प्रकार डिग्री मिलता है, हमारे झारखंड में ऐसा नहीं होता। तो पूरा कोई देखा जाए तो भाई पूरे बिजनेस स्टडीज बेसिकली कि पैसे झारखंड के, जैसे झारखंड में जो रिचर पीपल है वो और चाहते हैं भाई रिच हो, लेकिन जो मध्यम परिवार है वो और ज्यादा गरीब होते चले जा रहे, जो गरीब परिवार बिलोंग कर रहे हैं, कारण यही हमारे पास कि एजुकेशन का सबसे बड़ा नॉलेज का कमी देखा जा रहा है, और जो अधिकांश मोस्ट कॉन्टेंट क्रिएटर वो भी यही कर रहे हैं। जैसे झारखंड में जो भी योजना चल रहा है, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, गोगो योजना हो, कोई भी योजना आया जा रहा है, उसके बारे में देखिए इस प्रकार का जितना पैसा नहीं बट रहा है उससे ज्यादा उनका प्रचार किया जा रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए वो पैसा बटने के अलावा अगर कहा जाए कि उनको झारखंड में हमारे पास स्किल सिखाया जाता है लोगों को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो स्किल सिखाया जाता वो अपने स्किल से अपना जॉब क्रिएट कर सकते थे, लेकिन उनको नहीं, उनके कह सकते हैं कि उनका जो टैलेंट है उस टैलेंट को बर्बाद किया जा रहा है। जैसे अगर किसी के पास घर में खाना पड़ा हो तो क्यों कष्ट करने जाएगा भाई, बाहर का काम करने जाएगा, अगर आपके पास नहीं रहेगा तभी ना बाहर जाओ सीखने की कोशिश करोगे। सेम कहानी झारखंड में हमारे पास चल रहा है, चाहे वो कोई भी सरकार चल रही है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे जेएमएम हो, या फिर किसी पार्टी हो, तो किसी के लिए भी आपके लिए आप ही जो करंट इलेक्शन होने वाले, आप सभी बच्चों में जिनका 18 वर्ष हो चुका है, जब इलेक्शन पर वोट देने जाएंगे, तो आप अपना फैसला सही से करिएगा कि आपके लिए क्या सही रहे, कि आप हमारे झारखंड को बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं या झारखंड को कहा जाए लूटने वालों का समर्थन करें। तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।